कराटे खेलती हूँ और मैंने इस साल बर्मिंगम इंग्लैंड में कराटे टेंट क्लब चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल सब जूनियर में जीता है। मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ियों के ओलंपिक में मेडल मारूँ, देश का नाम, इंडिया का नाम रोशन करूँ। संती जी हमारे घर आए थे और मुझे आशीर्वाद दिया और फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बहुत शुक्रिया करूँगी। मेरी इस चैंपियनशिप में मेरी 5th रैंक रही और मैं अगली बार इतनी मेहनत करूँगी कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लाऊंगी। हम मेरी बहनों मैंने मिलकर स्टार्ट किया और फिर हमें 6 साल हो गए और मैंने सोचा कि अब हमें एक चैंपियनशिप खेलनी चाहिए। जैसे ही ये 3 साल से 4 साल की हुई लड़कियाँ, तो दोनों के लिए एकेडमी मैंने सर्च की, मुझे अच्छे कोच मिले। सिर्फ ये सोच के शुरुआत की थी कि इसी तरह लड़कियाँ सेल्फ डिफेंस सीख जाएं, पर उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से जुनून बन गया इनके लिए गेम का। एक मेडल आया, 2 मेडल आए, 3 मेडल आए, अब तक 33 मेडल्स आ चुके हैं जिसमें 27 गोल्ड्स हैं। जो अवनी है वो माइंड से गेम करती है और जो ये शिखा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। अपनी को ये पता है कि अगला प्लेयर जब बॉडी मूव करेगा तो मुझे क्या करना है और किस टाइम पे करना है, और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और यशिका की फ्लेक्सिबिलिटी और किक में बहुत पावर है। दिल्ली सरकार का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भी मैंने पहली बार भरा था, तो उस टाइम पे दिल्ली स्टेट जीतने के 5,000 रुपीज़ ये दिए थे और मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ बच्चे के अकाउंट में पैसे आ गए थे। हम बच्चों को दिल्ली सरकार बहुत ही सहायता कर रही है खेल में, मैं इसके लिए केजरीवाल सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मंत्री जी आए थे आज, ऐसा लगा कि जैसे कुछ अंदर ही अंदर एक जोश भर गया और ऐसा लगा कि जैसे सारी दुनिया हमारे साथ है। हमारे बच्चों के लिए खेल के लिए और जो खेल के लिए प्रमोट किया गया, तो इसके लिए मैं केजरीवाल सरकार को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।